हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ जेट फूड की रेसिपी, जैसे कि कटहल। कटहल कहते हैं ना, ये देखिए, ये रहा कटहल जेट फूड। इनका मैं सब्ज़ी मतलब बनाऊँगी, तो आप लोग देखते रहिएगा कैसे बनाती हूँ मैं। मम्मा इसको मम्मा अला धरू तला वो गैस जला। अब मैं गैस जलाऊँगी। मैंने कढ़ाई ऑलरेडी बन तो देखा, लाइटर जो थोड़ा काम नहीं देते, थोड़ा मारना पड़ता है। अभी देखिए जल गया। हाँ मामा, और मेरा मुंह भी चले गया। अब मैं प्याज कट करूंगी। एक प्याज, इतना बड़ा सा प्याज ले लिया मैंने। देखो ना, मेरा मेरे बेटे को मैंने पकड़ने दिया मोबाइल को। पकड़ो, ये मेरे साथ आज थोड़ा हेल्प करेंगे। ये मामा बेटे देखा ना, थोड़ा पास में आ जा। ये देखिए, तो मेरे मुंह से लोग गीली जान से है। दे मेरा हाथ से दिखा ना, हाथ भी दिखा, मामा बेटी भी दिखा, मामा ना दिखा। माइंड मत कीजिएगा, मेरा मेरा मतलब वो एक आई किंचा ट्राईपॉड नहीं है ना, इसके लिए वहाँ पर एक कुत्ते थोड़ी थकते हैं। देखिए मैंने प्याज कट कर लिया, और ये रहा मेरा मसाला। मसाला एक ही प्लेट पर हमेशा साफ करते हैं। ये मिर्ची है। ये मिर्ची है, और ये मसाला है। मसाला है, क्या मसाला है बोलो तो? ये चिकन मसाला है। चिकन नहीं डालते है ना इसमें? है गरम मसाला, जीरा, सब्जी मसाला, और ये रहा धनिया। अब मैंने कढ़ाई को गरम हो चुका है, देखिए थोड़ा सा गरम होना बाकी है। तो मैं बनाऊंगी आज कटहल की सब्ज़ी। इतना गर्मी है यहाँ, बोलिए मत। उफ राम 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 राम, देखिए मेरा कितना पसीना निकल चुका है। ओह इतना गर्मी, मेरा अभी कढ़ाई गर्म हो रहा है, गर्म होने देना है। उसके बाद तेल डालूंगी। ये रहा मेरा तेल, मैं खाती हूँ धारा ऑयल, मस्टर्ड ना धारा ऑयल है ये, सरसों का तेल धारा, जो धारा यूज़ करती हूँ। ये गया अभी तेल, क्योंकि जेट कटहल में थोड़ा चाहिए तेल ना, कटहल में थोड़ा तेल होने से सब्जी थोड़ा टेस्टी लगते हैं। देखिए ये है तेल, अभी इनको तेल को गर्म होने देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ ये जेट फूड को ऑलरेडी बॉईल करके रख चुकी हूँ। बॉईल मेरा खाना पक गया, दाल हो गया, और दिन का सुबह का थोड़ा सा भाजी बनाए थे मैंने, वो भी है, और आलू साथ में थोड़ा सा बॉईल किया। इनको आलू चाहिए ना, मोमो को, मेरा बेटा को आलू चाहिए। आलू हर चीज़ में, आलू आलू ना हो तो कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ आलू 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 ही खाना है। बहुत दिन हो गया आप लोग से बातें नहीं कर रहे, देखिए ना गाइस, इतना माथा में सिर पर ना इतना गुटी गुटी हो चुका है, पिंपल्स जैसा। पिंपल्स का तरह नहीं, थोड़ा दर्द करता है, गर्मी के कारण है क्या, इसके लिए इतना निकला है। अब मेरा तेल गर्म हो रहा है, गर्म हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा बाकी है। तो इनको फैन और देखिए इतना गर्म नहीं हुआ, और थोड़ा सा गर्म होने गया। गर्म होने क्या कर सकते, और ये रहा मेरा छोटा सा खिड़की, ये किचन का छोटा सा खिड़की है, यहाँ से थोड़ा सा हवा आते हैं। इनसे इतना गर्म, देखो ना इतना टाइट लॉक है यहाँ, पूरा लॉक, इतना लॉक है। ये रहा ऐसे हम लोग का रफ यूज़ करने वाला कपड़ा, रोज़ पहनने वाली, घर पर जैसे ऐसे पहनने वाली है ये, यहाँ रखती हूँ क्यों, जगह नहीं है ना, छोटा सा घर है तो इसके लिए। बाद में घर देख रही हूँ अभी, ये साल और एक और 1 ईयर 2 ईयर्स का बाद जाएंगे, क्योंकि बेटा भी अभी छोटा है ना, तो इतना रूम नहीं चाहिए हम लोग को, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जिनसे रूम चाहिए, क्योंकि यहाँ रेंट में बैठना बहुत मुश्किल, इतना दाम है यहाँ हम लोग को गुवाहाटी में। मतलब एक ही मैंने कहीं यूट्यूब में कहीं कहीं देखा, मतलब बाहर जैसे कि अलग जगह कहीं कहीं, वहाँ 8000 में इतना बड़ा मतलब एक घर मिल जाता है,
बड़ा से ऊपर बिल्डिंग जो ना, यहाँ ऐसा मिलता ही नहीं। वो भी से बिल्डिंग में फ्लैट में जाएंगे तो 15,000 से 18,000 इतना का नीचे कहीं मिलता ही नहीं। और जैसे छोटा मोटा रूम, दो रूम तीन रूम ऐसे होने वाला को 6,000 से स्टार्ट है, 6,000-7,000 ऐसे करके देख देख के। अब देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं अब डालूँगी ये कटा हुआ प्याज, ये गया प्याज, देखिए प्याज प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे, थोड़ा कलर होना इसका ब्राउन में। तो खाने जितना आप प्याज को भूजेंगे उतना ही खाने में फ्लेवर आते हैं, सब्जी बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए अम्मा यहाँ आई जा जल्दी, मम्मा वेयर यू प्लीज कम, टेक इट दिस मोबाइल मम्मा, पकड़ो सीधा से ऐसा, अच्छा से पकड़ना हाँ, ऐसा दिखाना, तेरा हाथ दिखाई दे रहा, ऐसे 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 इस तरफ ऐसे दिखा। अब मैं डालूंगी यहाँ जीरा, अब मेरी गया जीरा, और अलग मसाला मैं थोड़े बाद में डालूंगी मैं, क्योंकि मसाला को भूनती नहीं हूँ, मसाला को सिर्फ जीरा को भूनती हूँ, जीरा फास्ट भून देती हूँ, मसाला इतना नहीं। अब ये गया कटा हुआ आलू, आलू को थोड़ा फ्राई कर लूँ, देखिए आलू को थोड़ा फ्राई कर दूँ, आलू को भी ऑलरेडी मैंने बॉईल कर चुका है, वो कटहल का सा कटहल सब्जी के साथ में ना, ये कटहल को बॉईल करने करने के थोड़ा कच्चा कच्चा मतलब खाने के लिए इतना टेस्ट नहीं था, सब बॉईल कर लेना है। ये देख लीजिए मैं आलू अभी आलू को थोड़ा फ्राई कर ली हूँ, इतना गर्मी हूँ और हमारे किचन में पंखा नहीं है, किचन में पंखा तो होता ही नहीं ऐसा, और टेबल फैन भी नहीं है, इसके लिए इतना गर्मी लग रहा है। और आप लोग सोचो 90 नहीं बोल के मत सोचेगा, मीन्स मुझे 90 मतलब कंफर्टेबल लगते हैं, अलग में इतना और ज़्यादा मैं ऐसे घर में भी मतलब मैं कुर्ती वुर्ती पहनती नहीं, मुझे पसंद नहीं कुर्ती, कुर्ती पहनती भी नहीं इतना ज़्यादा, लॉन्ग पैंट वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा पहनती हूँ, और ऐसे घर में ऐसे प्लाजो, ठंडा दिन में ठंड जब समर विंटर आएंगे तो ऐसे प्लाजो शर्ट टी शर्ट टॉप्स लोग पहनती हूँ, अभी इतना गर्मी में टॉप्स लोग पहनना लॉन्ग पैंट लोग पहनना थोड़ा तकलीफ लगता है ना। अब ये मेरा आलू हो रहा है फ्राई, और मैं मसाला को साथ में सब डालूँगी, और मैंने ऑलरेडी ये लहसुन अदरक पेस्ट में नमक डाल के रखती हूँ ऑलरेडी, नमक मेरा नमक और डालती हूँ मैं, नमक डाल के ही पीसती हूँ मैं सब्ज़ी में, और नमक नहीं डालती। देखिए ये बन रहा है मेरा सब्ज़ी, एटलीस्ट ये प्याज का कलर भी कितना सुंदर आया, थोड़ा सा भून दो, बहुत दिन हो गया आप लोग से बात भी नहीं किया ना, आप लोग से क्या मतलब अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, अभी बेटा का मतलब 22 से फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उनका, तो उनको पढ़ाए ऑनलाइन क्लास करती हूँ, फिर शाम को ये ऐसे कुछ ब्लॉग बनाओ, उनसे कुछ ब्लॉग बनाने के लिए मिलता ही नहीं कुछ, तो क्या बनाओ ऐसे पढ़ाते हुए क्या बनाओ ना, ऐसे क्या काम करते हुए क्या बनाओ, तो मैंने सोचा कुछ रेसिपी बनाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी। तो मैंने सोचा था उस दिन चिकन का भी दिए फिश का भी दिए, वो लोग तो खा ही रहे बना ही रहे, वो बार बार क्यों दूँ, तो उस दिन मैंने फ्रॉक लाए थे, फ्रॉक मतलब सुअर का मीट, प्लीज़ डोंट माइंड मीन्स यहाँ चलते हैं फ्रॉक ना, फ्रॉक खाते हम, वो लाए थे, फिर सोचा अभी टाइम नहीं, अभी रेसिपी वो रेसिपी कभी नेक्स्ट दिन बनाऊँगी, तो मैंने उनका नहीं दिया, अभी सोचा बहुत दिन हो गया, एक दिन इतना दिन हो गया अभी तक कुछ दिए ही नहीं मैंने, मेरा उस अपलोड किया ही नहीं बोल के ना, तो अभी सोचा
तो मैं जेट फूड लाए थे कल, तो वो सोचा ये अब मैं इसे डालूंगी जेट फूड को। ये देखिए ये गया जेट कठहल बोलते हैं उनका सब्जी, ऐसे ये बना रही हूँ। अब मैं डालूंगी यहाँ हल्दी, टेटे हल्दी का डब्बा। मेरा मोमो भी हेल्प नहीं कर रहे हैं उनको, उसका भी पढ़ाई करके कंप्लीट हो गया ना, उसका भी खेलना है, इसके लिए मेरा सब कुछ हेल्प नहीं कर रहे। बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, जिससे इतना तकलीफ से कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा ये रेसिपी को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। ये गया हल्दी। हम लोग पहले बोलते थे हल्दी बोलो हल्दी बोलो बोलते थे, हम लोग फ्रेंड लोग हाँ हल्दी बोलते थे ना, तो तुम्हारा शादी जल्दी बोलते थे। ये देखिए मेरा सब्जी, कटहल का सब्जी, रेसिपी। अब मैं डालूंगी यहाँ सब ये मेरा मसाला। अब मुझे एक दाल के नहीं आता, मेरा मसाला को नहीं भूनती हूँ, साथ में बनाती हूँ सब्जी के साथ, तो खाने के लिए टेस्टी लगती है, अच्छा लगता है। सबका अलग अलग तरीका ना बनाना, कोई भूनते, मैं भूनती नहीं, मैं हमेशा ऐसे डाल देती हूँ। देखिए अब आएगा खाने के लिए मज़ा, टेस्टी। यम्मी यम्मी, देख लीजिए कितना अच्छा बन रहा है। मैंने बोला था ना कटहल में सब तेल थोड़ा चाहिए, ऑयली ना था ज़्यादा, तो मैंने उसको तान देते हैं, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, बोलिए मत। ओ मैं भूल गई कि मैं अभी वीडियो कर रही हूँ, मैं मतलब काम करते समय ना मुझे मेरा म्यूजिक आ जाता है मुख में ना, गाना, मैं गाना गाती हूँ, नहाते समय गाती हूँ, कपड़ा धुलाते समय गाती हूँ, काम करते समय गाती हूँ। हमें भूल गई कि मैं वीडियो कर रही हूँ बोल के, मेरा सूट चल रहा है, मैं गाना गा रही, प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। देख लीजिए ये रहा मेरा कटहल का सब्जी, देखेंगे कितना यम्मी लग रहा है। अब मैं इसको ताक के रख दूँगी थोड़ी देर, और इसको थोड़ा सा लो फ्लेम कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मसाला पकना है, और मैं आप लोग से बात कर लूँगी। वाह इतना गर्मी, इतना गर्मी, थोड़ा सा पंखा खा लेती हूँ, थोड़ा सा हवा खा लूँ। देखो मैं अभी ये रूम में आ चुकी हूँ, इतना गर्मी 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 गर्मी, वो हम लोग का फोटो है कमैया में, गुवाहाटी में माँ कामाख्या का मंदिर है, तो हम लोगों ने माँ कामाख्या का मंदिर में फ़ोटो खींचे थे। हमारे सास आते समय, मदर इन लॉ आते समय, उनका फ़ोटो अलग में है, दूसरा में। ये मेरा मोमो रहा, मोमो तब का था 3 ईयर्स का था, अब देखिए 5 ईयर्स हो चुका है। ये है मोमो, मोमो 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 मोमो, कोलगेट ब्रश, कोलगेट ब्रश, डाबर रेड, डाबर रेड। अब मैं चलती हूँ मेरे किचन पे, मेरा किचन में सब्जी, फिर सोचेगा सब्जी क्या हो गया, सब्जी
तो देख लेते हैं मेरा ये सब्जी, कटहल का सब्जी मैंने यहाँ डाला है, मतलब ना मसाले पे मैंने बताया था, मतलब हमें जीरा दिया तो सब्जी मसाला, उसके बाद गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया पाउडर और चिली, रेड चिली पाउडर, रेड चिली मतलब थोड़ा सा दिया, ज़्यादा नहीं। ये इतना सुंदर आ रहा है ना, मैंने अब यहाँ पानी नहीं डाला, बाद में डालूँगी हल्का सा पानी। और मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, तो दाल तो बनाया हुआ है ऑलरेडी, मतलब इसको मैं ऐसे बनाऊँगी फ्राई की तरह ना, सूखा सूखा ऐसे ऐसे खाऊँगी, इसमें जूल मतलब पानी ग्रेवी नहीं करूँगी, ऐसे बनाऊँगी इसे। तो ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसके लिए, और इतना आज के लिए इतना ही रेसिपी ये रहा, इतना ही रेसिपी था। तो अभी ये ज़्यादातर मतलब बॉयल कर चुका है ना, तो ये पकी जाएगा, अभी मैं इसे लो फ्लेम में पकाती रहूँगी और 20 मिनट्स तक, 20 मिनट तक, तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको इतना लंबा तो शेयर दिखा नहीं सकूँगी। तो इसके लिए प्लीज़ मेरा ये चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्लीज़ बजाइएगा, तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाएंगे और मैं आप लोग से ढेर सारा, मैं आप लोग से ढेर सारा प्यार करती हूँ। लव यू गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम।